जितना नाज़रीन देखते हैं कि आज की 30 मिनट की 30 खबरों में हमारे नुमाइंदगान ने आवाम के किन मसाइल को उजागर किया है। कहते हैं कि जिस मुआशरे के ग्राउंड आबाद होते हैं तो वहीं ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज से उस मुआशरे के हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं। इसी सोच के तहत टाउन कमेटी शैली जनूबी में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में पंजाब भर से तकरीबन 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के आखिर में 126 और 142 जनूबी की टीमों के दरमियान सब फाइनल देखने में नजर आया, जो कि 126 जनूबी ने 1-0 से जीत लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MPA मोलीम सुल्तान चीमा ने विनर और रनर अप टीमों में नकद इनाम और ट्रॉफी तकसीम की और खिलाड़ियों की अच्छी कारकर्दगी पर दोनों टीमों को सराहा। इस मौके पर PTI के MPA का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए इकदाम उठाना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसके साथ ही मुलीम सुल्तान चीमा ने मकामी क्यादत से मुलाकात की और कामयाब टूर्नामेंट पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक चेयरमैन लियाकत अली गुजर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद गुजर, उसामा अब्दुल हमीद, नासिर महमूद अल हसन, शहबाज गुजर, मुबारक अली और दीगर साथी मौजूद थे। कैमरामैन तौकीर अब्बास के साथ अंबर रजा, चैनल 5।